नजर करिए नेशनल टॉप 9 खबरों पर। दिल्ली राजा आखिर पूरी बार बन जयंती निमित्ते रस्ता पर ते हंगामो मची गयो। उपद्रवियों द्वारा अनेक वाहनों में तोड़फोड़ करवामां आवी, पोलिस कर्मचारी पण घायल थया। हनुमान जयंती निमित्ते शोभायात्रा काढवामां आवी रही हती, त्यारे आ हिंसा शुरू थई अने अनेक वाहनों में जोरजोतामां तोड़फोड़ करी दीवाई। मध्यप्रदेश खरगोन में रामनवमी की शोभायात्रा पर हमला मामले झड़पाये चार शख्सों गुजरात कनेक्शन सामे आव्यु। धरपकड़ कराये चार आरोपी में बे अमदावाद, एक पाटण और एक बनासकांठा वतनी। मध्यप्रदेश पुलिस गुजरात एटीएस करे संपर्क। महाराष्ट्र पूर्व गृह प्रधान अनिल देशमुख ने मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्टे 14 दिवस ज्युडिशियल कस्टडी में मोकली दीधा। 100 करोड़ की वसूली केस में कोर्टे आ निर्णय लीधो। देशमुख ने ईडीए 2 नवम्बर ना रोज 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले करी थी धरपकड़। जम्मू काश्मीर अनंतनाग में सुरक्षा बल अने आतंकी वच्चे थयेली अथडामण में एक जवान शहीद थई गया। सुरक्षा बलोए आतंकी टीआरएफ कमांडर ने झड़पी लेवा कोशिश करी थी, दरमियान फायरिंग थता जवान शहीद थया। जम्मू काश्मीर राजौरी में आतंकवादियों षड्यंत्र निष्फल। सेनाए 5 किलो आईईडी ने जप्त कर सुरक्षित स्थल पर करू नष्ट। आसपासना विस्तार में सर्च ऑपरेशन चालू। तमिलनाडु में चिथिराय उत्सव में भगवान कल्ला जाकर रथ ने वधावा भक्तों की भीड़। भीड़ में 2 लोगों कचड़ाई जवा मौत। मृतक परिवार ने रूपया 5 लाख की सहाय। देश में कोरोना दैनिक केस 1000 की आसपास जवा मिली रहा है। छेल्ला 24 कलाक में देश में कोरोना 975 केस, 4 मौत। देश में सक्रिय केस की संख्या 11,366। 24 कलाक में नोएडा में कोरोना 79 केस सामे आया, तेमांथी 18 वर्ष की नीचे 14 बाळकोनो समावेश। नोएडा में संक्रमितों आंक 237 पर पहुंचो। देश के केटलाक भागों में वादळना कारण गर्मी की राहत मळ्या बाद फरी गर्मी प्रकोप जोवा मळशे। हवामान विभाग ने आगाही मुजब 19 एप्रिल सुधी मोटा भागना राज्यों में हीटवेव की स्थिति रहेशे।